आज जिस तरीके से सैनिक बोलते हैं कि घर से बहुत दूर रुके हुए थे और उन्होंने कुछ नया आंदोलन किया, हमारे विरोध में रवि राणा जी जो विधायक हैं मेरे विरोध में मुर्देबाद के नारे लगाए, चूड़ियां फेंके, तो मुझे तो पहले उनको बोलना मैं स्वागत हूँ, मुझे आदर पूर्वक चूड़ियां देखे तो शायद मैं हाथों में पहन लूँ, क्योंकि जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ वो मेरी अंबानगरी है। मुझे सिर्फ इतना प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को करना है, आप कल कहीं मंदिर में भी नहीं गए हनुमान जी के संकट मोचन के, ना ही वहाँ कोई आरती की, ना ही हार अर्पण किया, ना ही वहाँ पे आपने माथा टेका, ना ही हनुमान चालीसा आपने पढ़ा। क्या आपको हिंदू विरोधी ये बाड़ा साहब के विचार कहीं पीछे भूल गए और हिंदू विरोधी शिवसेना निर्माण हो गई है क्या? उस दिन से तो सभी पूरे जग को और पूरे महाराष्ट्र को ये पता लग गया है कि उद्धव ठाकरे ने बाड़ा साहब के विचारधारा कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दी है, और जिस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ सैनिक विरोध कर रहे हैं, मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं अगर अपनी संस्कृति और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत है और इसके लिए मुर्दाबाद है तो मैं मुर्दाबाद हूँ। अगर मैंने किसी को उनके विचारधारा याद दिलाने में अगर मैं मुर्दाबाद हूँ तो मैं मुर्दाबाद हूँ। और एक बात इससे इम्पोर्टेंट कि हम यहीं खड़े थे, उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे, शरबत भी तैयार थी, कारपेट भी लगा था, हनुमान जी की प्रतिमा भी इधर रखी है, पंडित को भी बुलाया है, साउंड सिस्टम भी है, और हनुमान जी की उनको वाचन तो करने आएगा नहीं, इसके लिए किताब भी यहाँ पर उपस्थित करके रखी थी कि वो आएंगे, एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम सब मिलके हनुमान चालीसा करेंगे। और पुलिस प्रशासन को इतना मेरा जरूर कहना है कि अगर कोई भगवान का नाम स्मरण करने की अगर कहीं जाता है तो उसे जाने देना चाहिए, पर शिवसेना भगवान का नाम और हनुमान जी का हनुमान चालीसा करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, वो सिर्फ नवनीत राणा का और रवि राणा का मुर्दाबाद की घोषणा लगाने आए थे। और ये बात पक्की है कि मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी, अगर किसी में ताकत है किसी में दम है तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना, टाइम आप ठहराओ, समय आप बताओ, उस समय मैं वहाँ पहुँचूंगी। आप मुंबई करें तो मैं मुंबई करूँ और विदर्भ की बहू भी हुई, याद रखना। जय श्री राम।